सो व्हाट्स अप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप की ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। बिलीव मी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस टाइप की एडिटिंग कर पाएंगे बेहद सिंपल तरीके से, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एक एक स्टेप को क्लियर करके बताया है कि आप इस टाइप की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे स्टेप को फॉलो करते रहिएगा, आप भी इस टाइप की एडिटिंग कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना होगा। देन गाइस, ओपन कर लेने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा और आपको जिस भी फोटो को एडिट करना होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सो गाइस, जैसे कि मुझे इस वाली फ़ोटो को एडिट करना है, तो मैं इस वाली फ़ोटो को अपनी स्नैपचैट ऐप में ओपन कर लिया हूँ। देन गाइस, ओपन कर लेने के बाद पहले स्टेप में ही आप लोगों को क्या करना होगा, साइड में इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आप लोगों को एक सेलेक्ट टू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल से सेलेक्ट टू वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और क्लिक कर लेने के बाद आपका स्किन जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आप लोगों को कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करके और ऐसे सर्कल को छोटा करके और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। और देन गाइस, ऐसे आप नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। फिर इस नीचे साइड में प्लस के आइकन पर क्लिक करके हम फटाफट से जहाँ जहाँ पे मुझे नीड है वहाँ पे मैं कर लेता हूँ। सो गाइज, ऐसे कर लेने के बाद आपको सिंपल से यहाँ से राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना होगा और आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल वाले आइकन पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों के सामने एक डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक कर ले देंगे और यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे इंक्रीज करेंगे, प्लस 40 कर देंगे और यहाँ से इसकी शार्पनिंग को भी हम लोग प्लस 10 कर देंगे। सो गाइस, ये सेटिंग आप लोग भी कर लीजिएगा और इसके बाद कर लेने के बाद सिंपल से यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ से अपनी फेस को स्मूथ करेंगे। हम अपने फेस को अपनी स्नैपचैट ऐप में भी स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करना है, इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेंगे अपनी ऑटोडेस्क स्केच बुक में। तो सिंपल से यहाँ से स्केच बुक में इस फोटो को शेयर कर लेते हैं। सो गाइस, ये फोटो हम लोगों की जो है स्केच बुक में ओपन हो चुकी है और ओपन हो जाने के बाद सिंपल से आपको अगर ये कठिन लगता है चलाना तो ये आपको मेरे स्टेप को फॉलो करना होगा। साइड में आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे, तो सिंपल से आपको इस वाले टूल्स पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रश मिल जाएंगे लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल से स्मर्ज वाले ब्रश में आके आपको लास्ट से तीसरे नंबर वाले ब्रश को ले लेना होगा, ये वाला ब्रश जो है। और लेने के बाद आपको यहाँ से इसकी सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सो गाइस, क्लिक कर लेने के बाद आपको इस जो मैंने सेटिंग किया है आप लोग भी यही सेटिंग सेम कर लीजिएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आप सेम यही सेटिंग करके और सिंपल से यहाँ से नीचे साइड में कट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। और क्लिक कर लेने वाला साइज आपको यहाँ से एक बिंदु वाला ऑप्शन मिल जाएगा नीचे से, इस पर आप क्लिक करेंगे ना, आप अपनी ब्रश पे उंगली रख के अगर लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी साइज़ जो है अप डाउन हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं अभी साइज़ को 50 रखता हूँ। और रख लेने के बाद आपको अपनी फ़ोटो को ऐसे जूम करना होगा, जितना इतना जूम आप लोग भी अपनी फ़ोटो को कर लीजिएगा और इस पर क्लिक करके साइज़ को यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इतना कर लेने के बाद आपको अपनी स्क्रीन पे इस टाइप से आपको ड्रॉ करना होगा, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। गाइज, आपको अपनी स्क्रीन पे ऐसे राउंड राउंड करके ब्रश को ड्रॉ करना होगा। अगर आप इस टाइप से ब्रश को राउंड करके इस पे चलाते हैं तो आपका जो है ब्रश का दाग भी नहीं आएगा और आपकी फेस जो है ना काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। याद रहे दोस्त, आपको अपने ब्रश को राउंड करके ही चलाना है और साइज़ ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा ताकि हम लोगों के स्किन पे ये ब्रश का दाग ना आए। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की कितना अच्छे से फेस स्मूथ हो रहा है। तो सिंपल से आप लोगों को ऐसे कर लेना होगा, साइज आप कम बेसी करके करिएगा। देखिए,
सो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की फेस भी काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है। तो स्मूथ हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की फ़ोटो किस टाइप से दिख रही है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को सेव करने के लिए फ़िलहाल के लिए आपको इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ से गैलरी पे क्लिक करके सेकंड नंबर पे क्लिक कर देंगे और हम लोगों की ये वाली फ़ोटो ना आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो इस फोटो को हम लोग क्या करेंगे अपने लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेते हैं। तो फटाफट गाइज इस फोटो को मैंने अपनी लाइटरूम ऐप में ओपन कर लिया है और ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ से इसकी लाइट वाले ऑप्शंस पे जाना होगा आप लोगों को और जाने के बाद इसकी शैडो को आपको ऐसे इंक्रीज कर देना होगा और इसकी हाईलाइट को ऐसे डिक्रीज करके इसकी कंट्रास्ट को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और ये सेटिंग कर लेने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से हट जाना होगा और इसकी कलर्स वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना होगा और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से इसकी वाइब्रेंस को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लेने के बाद इसके टेम्प को भी हम लोग +6 रख लेंगे और ये सेटिंग आपको भी रख लेना होगा और रख लेने के बाद इसकी इस मिक्स टूल वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसकी ब्लू कलर को लेना होगा और इसकी सेचुएशन को हम लोग फुल्ली डिक्रीज कर देंगे और डिक्रीज कर लेने के बाद सिंपल से यहाँ से आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट कर लेने के बाद इसकी ह्यू को हम लोग -100 कर देंगे और इसकी सेचुएशन को हम लोग +100 कर देंगे। सो गाइस ये सेटिंग कर लेने के बाद इसकी येलो कलर को यहाँ से लेंगे और इसकी भी ह्यू को हम लोग डिक्रीज करेंगे और सेचुएशन को ऐसे इंक्रीज करेंगे और इतना कर लेने के बाद सिंपल से आपको अपनी फेस वाले कलर पे आ जाना होगा और यहाँ से इसकी सेचुएशन को हम लोग ऐसे डिक्रीज कर देंगे और यहाँ से इसकी इल्यूमिनेंस को ऐसे इंक्रीज करेंगे और जैसे ही ये करेंगे आपके फेस पे एक अच्छी सी लाइट आ जाएगी, देख सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसके बगल वाले कलर्स पे क्लिक करके इसकी भी ल्यूमिनेंस को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं और ह्यू को भी हम लोग थोड़ा सा प्लस साइड में रखेंगे और इसकी सेचुएशन को हम लोग ऐसे इंक्रीज कर लेंगे और लगभग हम लोग इसकी ह्यू को -45 रख लेते हैं और सेचुएशन को 51 और ल्यूमिनेंस को ऐसे हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। और ये सेटिंग कर लेने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से डन वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक कर लेने के बाद इसके नीचे वाले टूल्स पे क्लिक करके सिंपल से यहाँ से इसकी क्लियरिटी को ऐसे हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। जैसे ही आप क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे आपकी पूरी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी और इसके बाद इसके नीचे वाले टूल्स पे क्लिक करके यहाँ से इसकी शार्पनिंग को हम लोग इंक्रीज करेंगे और नॉइस रिडक्शन को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ से डिटेल्स को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और कलर नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज करके और डिटेल्स को इंक्रीज कर देंगे। सो गाइस ये सेटिंग कर लेने के बाद सिंपल से आपको क्या करना होगा, ऐसे ऊपर आना होगा, आपको अपनी फ़ोटो को ऐसे जूम करना होगा, आपको अपनी पूरी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से जूम करके आपको यहाँ से सेलेक्ट वाले टूल्स पे क्लिक कर देना होगा, प्लस वाली आइकन पे क्लिक करके ब्रश को यहाँ से लेके पहले वाले नंबर को ब्रश को लेके आपको अपने लिप्स पे कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ कर देना होगा और यहाँ से इस कलर्स वाले आइकन पे साइड में क्लिक करके आपको यहाँ पे कलर ह्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। इस कलर ह्यू वाले ऑप्शन को पकड़ के हम लोग कुछ इस टाइप से यहाँ से लेकर आएंगे रेड वाले में और लाने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना होगा और आपको अपनी फ़ोटो को ऐसे जूम आउट कर लेना होगा। सो गाइस जैसे ही आप जूम आउट करेंगे ना आपकी पूरी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। आप लोग भी देख सकते हैं ये फ़ोटो काफ़ी ऑसम लग रही है। तो सिंपल से इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके इस सेव टू डिवाइस क्लिक कर देंगे और हम लोगों की ये वाली फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी और सेव हो जाने के बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे और इसके थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इस फ़ोटो को हम लोग डिलीट कर लेते हैं और डिलीट कर लेने के बाद इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अगेन इस फोटो को हम अपनी लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेंगे। सो गाइस ओपन कर लेने के बाद इस यहाँ से इसे ओपन करके और इसकी कलर्स वाले आइकन पे जाना होगा, मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको इसकी येलो कलर को लेके इसकी ह्यू को आपको ऐसे डिक्रीज करना होगा और डिक्रीज कर लेने के बाद इसकी सेचुएशन को भी हम लोग ऐसे डिक्रीज कर देंगे और जैसे ही आप डिक्रीज करेंगे ना आपको यहाँ से डन वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करते ही आपकी पूरी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। अगर आपको अपनी फेस को और ज़्यादा वाइट करना है तो सिंपल से इस कलर्स पे जाके इसकी फेस वाले कलर को लेके इसकी सेचुएशन को डिक्रीज करके और यहाँ से इसकी इल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे, फिर अगेन इसकी इस वाले कलर को लेके ह्यू को डिक्रीज करके सेचुएशन को इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से डन वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और जो भी काम था हम लोगों का कम्प्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी
हेयर को देख सकते हैं ऑयली टाइप में करेंगे तो उसके लिए इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को हम लोग शेयर कर लेते हैं अपने टूलबीज ऐप में। तो सिंपल से यहाँ से टूलबीज ऐप पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। सो गाइस क्लिक कर लेने के बाद आपके टूलबीज ऐप में इस टाइप से ये फ़ोटो दिखने लगेगी। तो इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना होगा। सॉफ्ट इमर्ज वाले पे जाके आपको यहाँ पे कई सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो सिंपल से यहाँ पे आप लोगों को जितना आपको अपनी हेयर को कलर रखना है उतना ले लेंगे। और इतना कर लेने के बाद सिंपल से यहाँ से मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको क्लीन कर देना होगा। और आपको अपनी हेयर पे कुछ इस टाइप से आपको ड्रॉ करना होगा, केवल हेयर पे आपको ड्रॉ करना होगा। सो गाइस जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे ना आपकी पूरी हेयर देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से जो ऑयली टाइप में हो चुका है। तो यहाँ से डन कर देंगे और अगर हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सॉरी गाइस सॉफ्ट स्मर्ज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अपनी दाढ़ी जो है ना इस पे हम लोग थोड़ा सा ऑयल रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग थर्ड नंबर को सिलेक्ट करके मास्क वाले पे क्लिक कर देंगे और क्लीन कर देंगे। और अप्लाई पे आके आपको ऐसे अपनी आईब्रो पे ऐसे ही चला लेना होगा, मूछ पे भी चला लेना होगा और आपका जो दाढ़ी है वहाँ पे भी आपको कुछ इस टाइप से चला लेना होगा। सो गाइस चला लेने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे ना आपकी पूरी फ़ोटो गाइज वन के कुछ इस टाइप से आ जाएगी। और मैंने बेहद सिंपल स्टेप में ये फ़ोटो एडिट करना सिखाया है। आई होप गाइज आपको ये फ़ोटो बनाना काफ़ी इजी लगा होगा। और फोटो को सेव करने के लिए इस कोने वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और हम लोगों को ये वाली फ़ोटो सेव हो जाएगी।